हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर स्कूल यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोनाउन का टॉपिक, जो कि हम पर्सनल प्रोनाउन तक रीड कर चुके थे। नेक्स्ट हम करने वाले हैं सेकंड टाइप ऑफ प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? इफ़ द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स या रिफ्लेक्ट्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट ने जो काम किया है वो वापस उसी के ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाए, तो वो कौन सा प्रोनाउन होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेल्फ ऐड किया जाता है, सेल्फ इज एडिड टू माई, यूअर, हिम, हर एंड इट। इसमें क्या ऐड किया जाता है? सेल्फ ऐड किया जाता है, स्लेव्स ऐड किया जाता है, एडिड टू आवर, देम और यूअर। अब यहाँ देखोगे कि यूअर के साथ सेल्फ भी ऐड होता है और क्या होता है, स्लेव्स भी ऐड होता है। तो जो यूअर के साथ अगर सेल्फ ऐड है तो इसका मतलब सिंगुलर के लिए, अगर स्लेव्स ऐड है तो इसका मतलब प्लूरल के लिए ऐड किया गया है। तो इसके जो एग्जांपल है वो ऐसे, जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को ही हर्ट कर लिया, आई सब्जेक्ट था। तो इसमें क्या थी डेफिनेशन, कि सब्जेक्ट का जो वर्क है टर्न या रिफ्लेक्ट बैक अपॉन द सब्जेक्ट, वापस सब्जेक्ट पे ही आएगा। आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को ही हर्ट कर लिया, कि उसने खुद को ही हर्ट किया तो वापस उसी पे हो गया। तो ये होगा हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो माई सेल्फ है यहाँ पे, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दूसरा एग्जाम्पल जो प्लूरल का है, दे हर्ट देमसेल्व्स, दे सब्जेक्ट था और टर्न उसके ऊपर, जो उसका ही काम उसके ऊपर रिफ्लेक्ट हुआ, जो उसने एक्शन किया है वो हमारा देमसेल्व्स, उसी के ऊपर जो उसका एक्शन क्या हुआ है, रिफ्लेक्ट हुआ है। थर्ड जो हमारा प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। दे आर यूज टू पॉइंट आउट ऑब्जेक्ट टू विच दे रेफर आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, मतलब उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने के लिए जिसके लिए वो रेफर किए जाते हैं, या तो वो ऑब्जेक्ट कहाँ हो, नियर या फार। अब संकेत से सब समझ गए होंगे, मतलब किसी चीज़ का संकेत दिया जाता है, उसके पास नहीं है तो उसके पास खड़े हैं तब, या फिर उससे दूर खड़े हैं तब। तो इसमें कौन कौन से वर्ड्स यूज होते हैं, दिस, डैट, दीज, दोज, सच एक्सेट्रा आर यूज इन द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। तो इसका एग्जाम्पल है, दिस बुक इज माइन, मतलब कोई बुक है वो हमारे पास ही है, नियर है, दिस बुक इज माइन, यह बुक मेरी है। तो दिस इसमें क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव, तो ये क्या है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये बुक हमारे पास थी तो दिस यूज़ हुआ। अब दूसरा है डेट, डेट इज रेड फोर्ट, वह क्या है, वह लाल किला है, तो डेट किसके लिए यूज़ हुआ है, हम उससे बहुत दूर खड़े और दूर खड़े होकर बता रहे हैं, डेट इज रेड फोर्ट, वो क्या है, लाल किला। तो ये किसके लिए होता है, फार के लिए, ये नियर, ये फार, ये भी वैसे ही होते हैं यूज़। तो इस तरह आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है, फोर्थ टाइप, इनडेफिनेट प्रोनाउन। तो इनडेफिनेट प्रोनाउन का क्या मतलब है, डेफिनेट का तो मतलब होता है निश्चित हो, और इनडेफिनेट मतलब ये अनिश्चित है, इट डज नॉट रेफर टू एनी पर्सन और थिंग इन पर्टिकुलर, मतलब कोई विशेष व्यक्ति या वस्तु के लिए नहीं होता, इसमें मतलब पता नहीं चलता कि किसके लिए ये कहा जा रहा है। तो इसमें कौन कौन से वर्ड्स यूज होते हैं, एनीबडी, एवरीबडी, एवरीवन, एनीवन, सम, फ्यू, इस टाइप्स के जो वर्ड है इसके अंदर क्या होते हैं, यूज होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, एनीबडी कैन डू इट इफ दे ट्राई, मतलब कोई भी इसे कर सकता है, कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं की बात नहीं यहाँ पे, ना ही कोई पर्टिकुलर थिंग की बात है, कि कोई भी इसे कर सकता है इफ दे ट्राई, अगर वो कोशिश करे तो, मतलब एनीबडी, कोई भी, कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं, मतलब यहाँ पे कोई नेम नहीं है किसी पर्सन का, तो वो होता है हमारा इनडेफिनेट प्रोनाउन। नेक्स्ट जो हमारा प्रोनाउन का टाइप है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव यानी बांटना, यानी वितरण करना किसी चीज़ का। इट रेफर्स टू पर्सन और थिंग वन एट ए टाइम, मतलब ये एक टाइम में सिर्फ एक पर्सन को ही रेफर होता है। दे आर ऑलवेज सिंगुलर, और ये हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। इसके जो वर्ड्स हैं वो है ईच, आइदर, नाइदर। सिंगुलर होते का क्या मतलब है, एग्जाम्पल से समझाओ। ईच ऑफ द बॉयज गेट्स ए प्राइज, मतलब बॉयज में से किसी एक को क्या मिलेगा, प्राइज मिलेगा, मतलब सभी बॉयज को नहीं, ईच ऑफ द बॉयज, बॉयज में से किसी एक को प्राइज मिलेगा। तो हमेशा जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वो क्या रहेगा, हमेशा सिंगुलर। नेक्स्ट जो हमारा प्रोनाउन का टाइप है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव का तो मतलब आप समझ गए, रिलेट करता है किसी चीज़ से, संबंध करता है। तो इट रेफर्स या रिलेट टू सम नाउन, यानी ये किसी संज्ञा से क्या करेगा, संबंध करेगा,
रेफर करेगा उस नाउन को। तो इसमें जो वर्ड्स यूज होते हैं हु, हुज, हुम, डेट, इस टाइप्स के वर्ड्स इसमें यूज होते हैं। तो इसका एग्जांपल देखिए, द मैन हु इज होनेस्ट इज ट्रस्टेड। द मैन ये क्या हो गया नाउन, हु रिलेटिव प्रोनाउन। द मैन नाउन है, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, तो द मैन से रिलेटिव प्रोनाउन ये क्या कर रहा है, हु रिलेट कर रहा है, इसलिए क्या हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। द मैन हु इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड, जो जो मनुष्य होगा, जो क्या होगा ईमानदार होगा उसी पर विश्वास किया जाएगा। मतलब जो हु इससे रिलेट कर रहा है, जो ईमानदार होगा यानी उस मैन से, तो ये मैन नाउन है और उससे वो हु रिलेट कर रहा है, वो क्या है रिलेटिव प्रोनाउन। हमारा लास्ट जो प्रोनाउन है सेवन्थ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इट इज़ यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। ये किसके लिए किया जाता है, मेनली क्वेश्चंस को आस्क करने के लिए। क्वेश्चन मार्क साइन इज यूज्ड एट द लास्ट ऑफ सेंटेंस, और सेंटेंस के लास्ट में कौन सा साइन यूज किया जाता है, क्वेश्चन मार्क का साइन। इसके जो वर्ड्स होते हैं शुरू में, इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क साइन होगा, व्हाट इज योर नेम, लास्ट क्वेश्चन मार्क साइन है, तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का टाइप है। तो इसके शुरू में कौन कौन से वर्ड हो, डब्ल्यू एच फैमिली यानी ये व्हाट, हु, हुज, हुम, इस टाइप के सेंटेंस, और जितनी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं इज, एम आर, वाज, वर, ये सारी जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो भी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के टाइप में आती है। नेक्स्ट में इसमें कुछ आपको ये सेंटेंसेस दी हुए, इनको प्रोनाउन से फिल करना सिखा रही हूँ, बाकी दो एक्सरसाइज नीचे दी हुई मिलेंगी, आप उनको खुद फिल करेंगे। तो फर्स्ट हमारा सेंटेंस है वेहर आर डैश गोइंग यू या यूअर, तो ये क्वेश्चन मार्क में दिया हुआ है, और हमारी हेल्पिंग वर्ब से पहले जो यूज़ होगा वो कौन सा होता है, सब्जेक्टिव, ये दूसरा है हमारा। तो यहाँ पर वेयर आर यू गोइंग यूज होगा। नेक्स्ट है शी इज टॉलर देन डैश मी या आई। अब आपको क्या इसमें याद रखना है, अगर आपको देन दिया हो बीच में यानी कंपैरिजन किया है, तो यहाँ पर जिस टाइप का यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, जो पर्सनल प्रोनाउन का एक टाइप था, कौन सा है ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो मी और आई में से भी आपको सब्जेक्टिव प्रोनाउन को ही सिलेक्ट करना है, तो आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन सा है इन मी और आई में से, आई, तो आप यहाँ पर क्या फिल करेंगे, शी इज टॉलर देन आई। नेक्स्ट है माई मदर टोल्ड डैश ए स्टोरी, मी या माई, वर्ब, वर्ब के बाद कौन सा यूज होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव प्रोनाउन। माई मदर टोल्ड और मी और माई में से ऑब्जेक्टिव कौन सा है, मी, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे मी ए स्टोरी। नेक्स्ट है यू कैन डैश टॉक टू हिम योर सेल्फ या हिमसेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के टाइप में है। यहाँ पे क्या है यू, अगर यहाँ पे यू है तो ये इसके सब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन होगा, तो यू का रिफ्लेक्शन क्या है यहाँ पे योर सेल्फ, तो इसमें क्या फील होगा योर सेल्फ, यू कैन योर सेल्फ टॉक टू हिम। दिस टेबल इज डैश, आपको पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन दो टाइप बताए थे पर्सनल प्रोनाउन में, तो एडजेक्टिव में बताया था कि उसका किसी चीज़ से रिलेशन होता है, जैसे दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। पोसेसिव एडजेक्टिव जब भी यूज किया जाता है उसके बाद कुछ ना कुछ दिया हुआ जरूर होता है, कोई ना कोई नाउन जरूर होता है, लेकिन जब हम पोसेसिव प्रोनाउन यूज करते हैं तब उसके पीछे कुछ नहीं होता, तो यहाँ यूज होगा दिस टेबल इज माइन, पोसेसिव प्रोनाउन वाला जो पार्ट है आपका इसमें यूज होगा।